अच्छा गाइस, तो आज हम बनाएंगे बेसन के पराठे। इसमें हमने डाला है प्याज, देख लो प्याज, और ये छोटी हरी मिर्चें काट काट के डाली है, और सूखा धनिया और नमक। जस्ट ये डाला है आटा और बेसन मिक्स करके इसका। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज का जो व्लॉग है वो है क्या है, वो है संडे है आज, और इफ्राना बना है क्या कहते हैं बेसन की रोटी या बेसन के पराठे। जा रहे हैं उसको अब इफ्रा जाके उसको बनाएगी और देन हम खाएंगे। तो पूरे घर के लिए आज अरेंज किया है बेसन के पराठे। पहुंच चुके हैं। ये जो आटा ना, ये पूरा गूंदा है? नहीं, ये गूंदा भाई, ये वाला है नहीं, ये तो नॉर्मल आटा है। ये आटा है और बेसन के पराठे की चटनी का है। ये लाल चटनी मौजूद है, लाल मिर्ची और लहसुन की, बहुत मज़े की होती है। कि तेज़ नहीं होती क्योंकि लहसुन इसमें इतना दल जाता है, तो इसकी तेज़ी जो है आधी ख़त्म हो जाती है। और घी में बनाएंगे क्योंकि पराठों का मज़ा घी में आता है। रोटी, कुछ लोग रोटी बोलते हैं, कुछ लोग पराठे बोलते हैं। मैं पूछता हूँ, अपने घर में तो बनाते हो कि चार लोगों के, तीन लोगों के पराठे? हम माशाल्लाह अब आती ही नहीं थी। हाँ हाँ, ये बात, ये अपने घर में सब पापा की रानी होती है और रानी का स्टेटस बन जाता है, या उससे बड़ा माँ रानी का स्टेटस मिलता है ससुराल में। अगर देखा जाए हर वक्त नेगेटिविटी अच्छी नहीं होती, पॉजिटिविटी, माँ रानी का स्टेटस मिला है। बताएं यहाँ पर, यहाँ देख के यू आर सो लकी कि लोगों को डेली बनाना पड़ता है, बट हमारे यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डेज बने हुए हैं ना, तो आसानी हो जाती है। और जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए ये सब चीज़ें मैनेज करना, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया काम जो कि कम हुआ है शादी से पहले के मुकाबले में, बट मैनेज करना बहुत। फिर ये सब लोगों के पराठे रोटी बनाना, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग होंगे जो इस तरीके से मैनेज करती होंगी, इससे ज़्यादा काम भी करती होंगी लड़कियां। बट ये अप्रिशिएट करना बनता है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब चीज़ें मैनेज, और फिर बेबी साथ, बच्चा साथ में हो, उसके 10 काम, तो बड़ी बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरीके से घर बसते हैं, इसी तरीके से घर चलते हैं मैनेज, तो हम अप्रिशिएट करते हैं इस पर। इफ्रा को एक ट्रीट दियो, इफ्रा जब बोलोगे तो नेक्स्ट मंथ ट्रीट हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर सुबह उठ के, सुबह मुझे ऑफिस को, ऑफिस के लिए रोटी भी बना के देना, जो आजकल की लड़कियां मुझे, क्योंकि ऑफिस में काफ़ी सारे लड़के हैं जो शादीशुदा हैं, बट उनकी बेगमास रोटी बना के दी जाती, रोटी वो आके ही खरीदते हैं बाहर से। चल हो गई, तारीफ का सेशन ख़त्म करते हैं और अब आ जाते हैं बेसन के पराठे की तरफ, जो कि मेरी ही फरमाइश पर बन रहे हैं। मैं काफ़ी एक महीने से बोल रहा था आलू के पराठे और ये बेसन के पराठे विथ वो रेड वाली चटनी, माई फेवरेट। अपनी ज़िंदगी में वॉक ज़रूर शामिल करें, एक चीज़ कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, वो उसी को उसी तरीके से। आइए, क्या शेप है यार, इस शेप के लिए तो मैंने को और ऐसे शेप का रब्ता करें इफ्रा नवाब से, ये जो राउंड शेप का इतने बेहतरीन सर्कल राउंड बना हुआ है ना पराठा, ओए होए क्लास है। और ये आ गए गे गे करते हुए, ये देखें ये किचन में आ चुके। क्या है इनको किचन में, लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं किचन में, इनके बेबीज हैं और किचन में इस तरीके से आ जाते हैं, तो चूल्हों से महफूज दूर रखें, क्योंकि देखें ये चूल्हे की हाइट होती है और बेबी आके खड़ा हो जाता है, ऊपर गर्म पानी, 10 चीज़ें और होती हैं, तो इसका ख्याल रखें। खैर, अल्लाह पाक के बच्चों को महफूज रखें, बड़ों को भी महफूज रखें। खैर, और ये दो पराठे बन चुके हैं और फाइनली तीसरे पराठे में जो ना आ गया राउंड शेप, बिल्कुल राउंड शेप आ गया। लेकिन जिस खतरे की बात मैं कर रहा था, ये होती है बहुत ख़तरनाक स्टेज, तो इसका ख्याल करा करें। ये राउंड शेप है, कोई बात नहीं, यहाँ से स्ट्रेट हो गया, इट इज अ राउंड शेप, नहीं गुस्सा नहीं, राउंड शेप है, राउंड शेप है। और ये पूरी फैमिली के लिए बनेंगे, देन फिर एंड में जो है मैं और इफ्रा बैठेंगे। और फाइनली यहाँ पर लग चुके हैं बेसन के पराठे और हम लोग फुल टेस्टी, और अगर देसी घी के होते हैं ना बहुत लजीज होते हैं। खैर, देसी घी की खुशबू कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, पर ये नॉर्मल रिफाइंड घी में बने हुए हैं देसी के पराठे, और हम लोग अब इसको खाने लगे। खा रहे हैं, अली बताया कैसे बने? बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन अब देसी घी की थोड़ी कमी फील हो रही है, लेकिन बहुत मज़े के। वानी आप बताएं, मुझे पसंद है।
यहाँ पे मैच भी चल रहा है, खाना भी चल रहा है, लड़ाई भी हो रही है। और पराठे खाने के बाद यहाँ मैच भी चल रहा है और पाकिस्तान जो कहते हैं बाहर आइए, देखिए देखिए खुशी देखें, खुशी देखे ये लोग, ये मैच सीन जो है वो ऑन है और पाकिस्तान चेस कर रहा है और इस टाइम पाकिस्तान ने चक्के चौकों की जो है ना लाइन लगाई हुई है, तो जीतने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ये देखो इंडिया सपोर्टर, राहे तो जा रहे हैं। क्या हो गया? फोर हो गया भाई, पाकिस्तान जीत रहा है। मैं और राहे जा रहे हूँ ऊपर, बाय बाय, अब आ जाइए। और आए को टाटा कर रहे हैं सब, टाटा राय, टाटा टाटा, अभी नहीं कर रहे, जाओ भाई इसमें नींद आ रही हो रहा है। मतलब हारने के करीब है और ये चेहरे देखें, वो मैच चल रहा है और ये देखें इनके स्वभाव, ये इनको मुझे एक डेयरी मिल्क खिला दिया अगर पाकिस्तान हार गया, और इन्होंने अपना मैगी छोड़ के अफसोस में बैठ गई। छक्का पड़ गया, छक्का वालों के मुंह दर चुके हैं गाइस, इंडिया वाले अपनी शक्ल तो दिखाए हैं। छह बॉल पे 7 रन चाहिए, ये सच्चे पाकिस्तानी है, 14 अगस्त में भी यही करते हुए जीते टाइम से देखो इंडिया वाले अपनी शक्ल तो दिखाए हैं। मैं तो शुरू से पाकिस्तान के साथ था, शुरू से पाकिस्तान के साथ था मैं। लास्ट ओवर है, 6 बॉल है और 7 रन चाहिए, ये होता है मोमेंट जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मजेदार पूरे मैच का। आपको ये वाला सीन होता है, इंडिया के कपड़े तो देखिए ये पहनेंगे इंडियन, लग रहा है इंडियन नहीं नहीं हरा हरा पत्ते बने हुए हां पाकिस्तान। चार बॉलों पे 2 रन, और ये चेहरे आप सब देखिए तो सीरियस मॉल हो गया है, 3 बॉलों पे 2 रन, सीरियस मॉल हुआ है पूरा। और ये जब आउट हो गया, अब 2 बॉलों पे 2 रन चाहिए और 5 अगर ये लोग आज हारे, ये बाजे वाली बैठी अगर ये लोग आज हारे मैं पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी, बहुत हो गया। तो ये कब जा रही हो भाई? शर्ट लगी हुई है बच्ची अपना ना, ये जो वॉलेट से बनाया वो लेके इसमें 30 रुपीस निकाल के मुझे ये देगी और 30 रुपीस निकाल के देगी, ये वॉलेट दिखाओ हमने 30 रुपीस पहले ले आई है, अच्छी बच्ची है, ईमानदार, डेरी मिल्क 30 वाली हुई थी। ग्राउंड में पाकिस्तानी क्राउड की हालत खराब हुई, दुआएं कर रही है, इंडियन भी, और यहाँ पर भी पाकिस्तान इंडियन मिक्स चल रहा है, हालत खराब है। और ये सेकंड बॉल जा रही है और ये चार एक बॉल तो बन गए थे, और ये पाकिस्तान फाइनली जीत गया, ये 30 रुपए ये जीत गए और 30 रुपए ये जीत गई इस टाइम में। अब मैं ये बच्ची वॉलेट लाई थी मुझे देने के लिए, बट अब मुझे देने पड़ेंगे, और पाकिस्तान जीत गया। अब मैच पर व्लॉग हमारा खत्म होता है, चौथा बेसनी पराठे और विद क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच पाकिस्तान फाइनली जीत गया। यहाँ पर प्लेयर को अपने करते हैं, चैनल को कर ले डायन, हम तो बोलते हैं चैनल को कर ले सब्सक्राइब, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को कर ले लाइक और शेयर करते जाएं, नेक्स्ट वीडियो तक जाती है।